नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में आपके दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखी किया जा सकता है, कैसे आपके पति पत्नी के विवाद को भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर किया जा सकता है और इसी के साथ ही श्रावण मास में अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखद करेंगे, उसका महा उपाय देंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल और आपको बताएंगे सफलता का अचूक महा उपाय, जिसको करने के बाद आप सफल हो सकते हैं। माताएं बहनें, उनके लिए भी हम बेहद जो है आज खास उपाय लेकर आए हैं। यदि वह छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ जाती हैं तो वो तनाव आज खत्म होने वाला है। इसी के साथ ही रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके जाने अनजाने हर तरीके से होने वाले आर्थिक नुकसान को बिल्कुल रोक देगी, तो ये तमाम आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र बहुत खास है, इसको आप जपिएगा जरूर। क्या विधि रहेगी वो आपको बताऊंगा, पहले इस मंत्र को आपके साथ साझा करते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को आप नोट करें, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र आज के दिन प्रदोष काल में 108 बार यदि इसका आप जाप करते हैं तो आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके प्रतिस्पर्धी एकदम से शांत हो जाएंगे और आपके साथ मित्रतावत व्यवहार करने लगेंगे। तो इस मंत्र को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 30 जुलाई 2022, दिन शनिवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, नक्षत्र होगा अश्लेषा, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करें वरना आपके कार्यों में विलंब और गड़बड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दिशाशूल होगी पूर्व दिशा, यानी आज के दिन आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। विषय की ओर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रहों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आती है। भाई, वैसे तो पति पत्नी में नोकझोंक चलती रहती है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन ये नोकझोंक आगे खटास में परिवर्तन होकर आपके दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो आपको नहीं दे पाती और आप हो जाते हैं एक दूसरे से दूर। तो क्यों होता है ये आपको बताएंगे और बचने का महा उपाय भी है हमारे पास। देखिए, ज्योतिष के अनुसार शुक्र और बृहस्पति के या दोनों के कमजोर होने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। भाई, शुक्र जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन का कारक है और कन्याओं की कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो गए तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। सप्तम भाव में बैठने के कारण, सप्तम भाव में पापी ग्रहों के बैठने से या सप्तम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि होने से, कौन कौन से होते हैं पापी ग्रह, मंगल, राहु, शनि, केतु, यदि इनसे संबंध हो जाए सप्तम भाव का या दृष्टि संबंध हो जाए तो मान के चलिएगा दाम्पत्य जीवन में अलगाव की समस्या आ जाती है। छोटी छोटी बातों में पति पत्नी एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं जिससे हो जाता है जीना मुश्किल, दाम्पत्य सुख जो है वो एकदम से गायब हो जाता है। यहां नोकझोंक की बात नहीं है, हम कहेंगे यहां पर खटास आ जाती है, दूरियां बन जाती हैं, कभी कभी जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देती हैं। इन गलतियों को आप बिल्कुल ना करें, ना ही दोहराएं। यदि आप वैवाहिक जीवन के लिए कोई उपाय करने जा रहे हैं तो इसमें सावधानी बेहद जरूरी होती है, जो अब ज्योतिष गुरु आपके साथ साझा करेंगे। भाई देखिए, आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद करना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन को मधुर करना चाहते हैं, तो एक बार उपाय शुरू करने पर कम से कम 27 दिन या 49 दिन तक लगातार आप इसे करिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज उपाय किया और आप उम्मीद कर रहे हैं कल। कुछ ग्रहों की दशा अंतर दशा के दौरान ग्रह यदि पापी हैं तो थोड़े समय के बाद वो अपना शुभ परिणाम देना शुरू करते हैं उपायों के बाद, तो इसलिए कोई जल्दबाजी आप ना करिएगा। उपायों के दौरान अपने ईष्ट, अपने कुलगुरु और अपने पितरों पर पूर्ण रूप से आप श्रद्धा बनाए रखें, बिल्कुल आपको सुखद परिणाम देंगे, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर भी होगा। बिल्कुल ना घबराएं और ज्योतिष गुरु से लीजिए सफलता का अचूक महा उपाय। पहले जानते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
नौकरी व्यापार में कोई बदलाव ना करें, धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें, मिश्री या मिठाई का दान जरूर करें। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून। बात करते हैं वृषभ राशि की। आज लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, पुराने मित्र से मुलाकात भी होगी, दिन की दौड़ भाग थोड़ा सा बढ़ सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं मिथुन राशि की। भाई आज आपको बड़े भाई से सहयोग मिलने वाला है, लेकिन परिवार में किसी तरीके का कोई वाद विवाद, अलगाव, झगड़ा बिल्कुल ना करें। आज के दिन यात्रा टाल दे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग है आपके लिए आज नीला। अब आपको बताते हैं दांपत्य जीवन को सुखद करने के लिए सबसे पहले जहां आप शयन करते हैं, जो आपका बेडरूम है, उसको कैसे ठीक करना है। भाई यहीं से ही गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। वैसे तो पारिवारिक जीवन में आप घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में पहुंचते हैं, अपने शयन कक्ष में शयन करने लगते हैं, आराम करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो आपके पति पत्नी के वाद विवाद को एकदम से बेडरूम से बाहर ले आती हैं और हो जाती है सारी खटास की कहानी शुरू। अब आपको बताते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हमेशा पत्नी को पति की बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड सोना चाहिए, ऐसा बहुत अच्छा रहता है। सोने के लिए हमेशा एक ही तकिए का यदि जरूरत है तो आप प्रयोग करें, अलग अलग पिलो का आप यूज ना करें, यह भी ठीक नहीं है। अपने शयन कक्ष में अलग अलग गद्दों और तकियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ऐसा ना हो कि आप इधर सो रहे हैं और आपकी धर्मपत्नी या पति उस साइड सो रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से वाद विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। शयन कक्ष का रंग या तो हल्का गुलाबी रखें, हल्का आसमानी, या फिर हल्का हरा रखें। गहरे काले नीले रंग के प्रयोग आप शयन कक्ष में बिल्कुल ना करें। कभी भी शयन कक्ष में गाढ़ा रंग जैसे काला हो गया तो यहां पर राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, या लाल रंग हो गया तो एकदम से त्वरित रूप से मंगल का प्रभाव दिखने लगता है, तो इन रंगों का भी प्रयोग आपको नहीं करना। सोने से पहले प्रतिदिन कमरे में देसी कपूर आप मिट्टी के दिए में रखकर जरूर जलाएं। अगर आपको लगता है कि ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप इस क्रम को कुछ दिन दोहराइए, यानी कुछ लगातार कुछ दिन आप इसको करते रहिएगा। सोते समय अपना सिराना दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ रखें, ऐसा करने से आप एकदम स्वस्थ भी रहेंगे, एनर्जेटिक उठेंगे, आपके शारीरिक भी जो समस्याएं होंगी वो दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगी। तो ये छोटी छोटी बात जो ज्योतिष गुरु हर दिन आपके साथ साझा करते हैं वो आपके फायदे की होती हैं, उनको आप जरूर अपनाइए। लेकिन अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नए व्यापार में निवेश ना करें, वाहन चलाने में कोई लापरवाही भी ना करें, आज मान सम्मान की प्राप्ति का योग है। शुभ रंग होगा केसरिया। बात करते हैं सिंह राशि की। शाम को अपने घर समय से पहुंच जाइएगा, उधार दिया वो धन आपको मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। बात करते हैं कन्या राशि की। रोजगार में असफलता मिलती दिख रही है, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग भी है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। देखिए अब आपको बताते हैं कि दांपत्य जीवन में यदि खटास आ जाती है तो पारिवारिक जीवन भी हर तरीके से खराब होने लगता है। मित्रों के साथ आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, बच्चों के साथ आपके जो है संबंध मधुर नहीं रहते हैं, माता पिता से भी आप जो है व्यवहार ठीक नहीं रख पाते हैं। तो कैसे छोटी छोटी सावधानी अपनाकर पति पत्नी अपने दांपत्य जीवन को बेहतर और मधुर कर सकते हैं वो समझते हैं। देखिए शुक्रवार को पति पत्नी दोनों मिलकर या तो कपड़े या फिर फूलों की खरीदारी जरूर करें और साथ में कहीं ना कहीं घूमने अवश्य जाएं। ऐसा करने से कुंडली का शुक्र आपको अच्छा परिणाम देगा और हर तरीके से दांपत्य जीवन में मधुरता जरूर आएगी। केवल गुलाब या सफेद ही फूल खरीदिएगा, ऐसा ना हो कि आप नीले या लाल रंग के फूल ले आए, ऐसा नहीं करिएगा बिल्कुल भी। हमेशा केवल गुलाब का फूल, गुलाबी रंग या फिर हल्का जो है आपको सफेद रंग के जो है फ्लावर्स खरीदिएगा, उन्हें घर लेकर आइए और अपने शयन कक्ष में अपने सिराने जरूर रखिए।
पति पत्नी सोते समय पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही सिर रखेंगे। इस चीज को आप भी आप नोट कर लीजिए। एक विशेष बात, शयन कक्ष में भूल कर भी देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्र लगाने से बचिएगा। बिल्कुल ना लगाइए अपने शयन कक्ष में देवी देवताओं का चित्र, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। किसी भी शुक्रवार को हल्की सुगंध वाला इत्र या परफ्यूम आपको जरूर खरीदना है और उन्हें सबसे पहले देवी लक्ष्मी को अर्पित करिएगा, फिर उसके बाद इस्तेमाल करिएगा। पति पत्नी उसी इत्र को या तो किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर उन्हें अर्पण कर दें या फिर उसी इत्र का प्रयोग आप करना आरंभ कर दें। किसी भी तरीके की तीखी सुगंध का प्रयोग आपको अपने शयन कक्ष में और अपने ऊपर भी बिल्कुल नहीं करना। तो ये छोटी छोटी सावधानियां आपके दाम्पत्य जीवन को एकदम से कर देंगे मधुर। तो सफलता का अचूक महा उपाय भी हमारे साथ लीजिए। और माताएं बहनें यदि छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में बहुत जल्दी आ रही हैं तो आज ज्योतिष गुरु उनका तनाव खत्म करने का प्रयास करेंगे। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, मित्र को मनाने का प्रयास करें, शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, लंबी यात्रा का योग दिख रहा है, प्रेम में सफलता का योग भी है, अपने क्रोध पर गुस्से पर काबू रखें, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। बात करते हैं धनु राशि की, मन में खुशी की लहर दौड़ेगी, संतान प्राप्ति का योग है, धन खर्च पहले से बढ़ेगा, शुभ रंग है आज के लिए लाल। अब आपको बताते हैं कि श्रावण मास चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, तो श्रावण मास में दाम्पत्य जीवन को सुखद करने का महा उपाय भी अब ज्योतिष गुरु आपके साथ साझा कर ही देते हैं। देखिए, श्रावण महीना भगवान शिव का महीना है, जल का महीना है, तो श्रावण मास में किसी भी सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन दोनों पति पत्नी मिलकर दो बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करें और थोड़ा सा जल भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मधुर जरूर होगा। अपने घर के आग्नेय कोण में हो सके तो हरे रंग के भगवान गणेश को जरूर स्थापित करें और उनके सामने घी या तेल का दीपक जरूर जलाएं। शुक्रवार के दिन सुबह के समय या प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी या दुर्गा को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और हो सके तो यह मिठाई जो है किसी जरूरतमंद महिला को दें, उसके बाद ही आप मिठाई का सेवन करें, मिठाई को चखें। ऐसा करने से भी दाम्पत्य जीवन हर तरीके से सुखद होने लगता है। इस दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आप खट्टी चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, आपके दाम्पत्य जीवन में खटास है, तो प्रतिदिन भी आप खट्टी चीजों का सेवन ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पति पत्नी सोने के लिए ससुराल से मिले पलंग का प्रयोग करेंगे तो यह आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा करने से कुंडली के अंदर बैठा हुआ राहु और केतु हर तरीके से आपको शुभ परिणाम देगा और हर तरीके से आपके ऊपर जो दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी आ गई थी उसको कम करने का प्रयास करेगा। एक विशेष बात और, पलंग के चारों पांवों में, चारों उसके जो लेग्स होती हैं उसमें या दोनों कोनों पर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आपको चिपकाना है। ऐसा आप करके देखिए, राहु का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा और आपके आपसी वाद विवाद हर तरीके से खत्म होने लगेंगे। पति पत्नी दोनों हमेशा हर तरीके से एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसा करने से भी कुंडली का बृहस्पति उनको शुभ परिणाम जरूर देगा और पति पत्नी दोनों मिलकर अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराएं और जरूरत पड़ने पर एक ओपल या फिर एक हीरा जरूर धारण करें। पत्नी को सोने का छल्ला कुंडली के देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और पति को चांदी का छल्ला चंद्रमा और शुक्र की शुभता पाने के लिए गंगा जल से शुद्ध करके जरूर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भी दाम्पत्य जीवन हर तरीके से मधुर होने लगेगा। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, जरूरी काम समय पर करें, पिता की सलाह जरूर लें, रिश्तों में किसी भी तरीके से लापरवाही ना करें, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं कुंभ राशि की, पुरानी इच्छा आज जरूर पूरी होगी, अपना भेद किसी को ना दें,
व्यापार में परिवर्तन दिख रहा है, बहुत सोच के करिएगा। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। करते मीन राशि की, मानसिक तनाव बना रहेगा, बड़ों की सलाह जरूर लें, संबंधों में दरार आ सकती है। शुभ रंग है आपके लिए मरुन। तो ज्योतिष गुरु श्रावण के पावन महीने में आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर कर सकते हैं, कैसे पापी ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन में खटास डालकर आपके विवाद को बढ़ाकर आपकी दूरियां बढ़ा देते हैं, तो उसको खत्म करने का प्रयास आप जरूर करें। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को साझा करने का। देखिए, आज के दिन पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप एक पीपल पर या तो स्वस्तिक बनाएं या मात्र एक तिलक करके आए, ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट की। आज हम माताओं बहनों को बताने वाले हैं, यदि वो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ जाती हैं, टेंशन ले लेती हैं, बिल्कुल ना घबराएं भाई। हमारी माताएं बहनें अपने नहाने वाले पानी में आधा चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करें और मौसमी फलों का जो है सेवन करें, संतरा है, अंगूर है, जो भी मौसमी फल है उनका सेवन करना आरंभ कर दें, तो उनकी टेंशन तनाव हर तरीके से कम होगा। अब बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, आज के दिन एक साबुत हल्दी की गांठ आप अपने बाएं हाथ में रखें थोड़ी देर के लिए, या फिर बाएं हाथ में किसी पीले धागे की सहायता से बांध लें, ऐसा करने से भी आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपके हर तरीके से आर्थिक नुकसान में कमी आएगी। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं पीली सरसों। तो एक पीले कपड़े में एक मुट्ठी पीली सरसों लें, उस पर थोड़ा सा देसी कपूर रखकर उसको बांध लीजिए, उसकी एक पोटली बना लीजिए। अब यह पोटली घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर आपको बांध लेनी है, ऐसा करने से आप हर तरीके से आर्थिक नुकसान से बचे रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि श्रावण के पावन महीने में आप अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखद बना सकते हैं। पापी ग्रहों के कारण यदि आपका दाम्पत्य जीवन खटास में आ गया है तो बिल्कुल ना घबराइएगा, भगवान शिव की महाकृपा से हर तरीके से पापी ग्रह भी मानेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद भी होगा। तो ज्योतिष गुरु फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।